देखिए, जैसे मैंने कहा कि विक्टिम को फ़िलहाल हम अभी एसोसिएट नहीं कर पाए हैं, उनकी बात नहीं सुन पाए हैं क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट्स प्रायोरिटी हमारी रहे। लेकिन जो एक्यूज्ड के इंटेरोगेशन में बातें सामने आई है, उसमें लगभग 5-6 साल से ये एक्यूज्ड और विक्टिम एक दूसरे के परिचित हैं, और एक जो कॉमन शादी है उसमें ये मिले थे, और उसके बाद लगातार फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों का कांटेक्ट था। लड़के जो एक्यूज्ड है उसके वर्जन के हिसाब से कुछ समय से लड़की जो है उससे कांटेक्ट नहीं कर रही थी, और उसका फ़ोन वगैरह या व्हाट्सएप चैट्स या कोई भी माध्यम जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था लड़की द्वारा, और वो बार बार उससे बात करने की अपनी एक एफर्ट कर रहा था और उससे शादी भी करना चाहता था। लेकिन लड़की की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस उसको जब नहीं मिला, तो वो पिछले कल उससे बात करने के लिए उसको रोक के पूछने के लिए कि ऐसा क्यों है कि 5-6 साल जो बातचीत थी वो अब क्यों नहीं है, वो जब पूछने निकला तो लड़की ने वहाँ पे भी जब उसको मना कर दिया बातचीत करने के लिए, तो वो अपना आपा खो के जो है उसने दराट अपने बैग में जो रखा था उससे जो है उस पर अटैक किया, और जो वीडियो देख के भी और वहाँ पे लोगों से बातचीत में भी जो सामने आया है कि शुरू में जो इनिशियल रिएक्शन है पब्लिक में वो एकदम से सब लोग शॉक में थे कि ये क्या चल रहा है, लेकिन जैसे उसने बार बार उसको अटैक किया तो लोगों ने वहाँ पे हिम्मत करी और उसको रोका और वहीं पे डिटेन किया और पुलिस को इसकी सूचना आई। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही एक शॉकिंग इंसिडेंट है, और नॉर्मली हिमाचल में इस तरह के इंसिडेंट्स बिजार तरीके से इस तरह के अटैक्स हमने नहीं देखे हैं, और मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये प्रिडिक्टेबल ऑफेंस पुलिस के लिए भी नहीं है, क्योंकि ये सोचना कि कोई व्यक्ति इस तरह से किसी पे अटैक कर लेगा और साथ में इस तरह से एग्रेसिव हो जाएगा कि वो आउट ऑफ अपना भी दिमाग जो है बिल्कुल यूज़ नहीं कर पा रहा हो, वो सोचना हमारे लिए भी चिंता का विषय है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि घटना तो डेफिनेटली बहुत शॉकिंग है, और इससे एक जो तनाव का माहौल एरिया में भी रहता है। पुलिस कार्य की जहाँ तक बात है, जैसी सूचना मिली पुलिस टीम्स बिना देरी से बस स्टैंड में भी पहुँची। उसके बाद हमारी कोशिश थी कि विक्टिम को हॉस्पिटल का जो बेस्ट प्रोबेबल पॉसिबल हम एफर्ट्स कर सकते हैं वो हम करें, और उसमें भी हमें मैं कहूँगी कि पुलिस टीम ने बहुत तेज़ गति से कार्य करते हुए उनको टांडा, और टांडा से फिर PGI जो है वो पेशेंट पहुँचे हैं। एक्यूज्ड का मसला है, वो अरेस्ट हुआ है, लीगल प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, और देश का जो भी कानून है उसके तहत हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस पर अपना बेस्ट एफर्ट इसमें डालें, एक अच्छी सॉलिड इन्वेस्टिगेटिव फाइल बनाएं, और ताकि इस व्यक्ति को जो है जो भी लॉ में लिखित लीगल प्रोसीजर्स में सज़ा है वो मिले, और इस तरह की घटनाएं जो हैं वो दोबारा ना हो, उसके लिए ये एक एग्जांपल भी सेट किया जाए। जैसे कि सबको विदित है कि पिछले कल पालमपुर बस स्टैंड में एक काफ़ी दुखनीय और निंदनीय घटना जो है सामने आई है, और उसमें एक जो लड़का है उसके द्वारा एक कॉलेज स्टूडेंट को ब्रूटली वहाँ पे अटैक किया गया, और मल्टीपल टाइम्स दराटी से उस पर मर्डरस जो है अटैक पालमपुर पुलिस स्टेशन पालमपुर बस स्टैंड के एरिया में हुआ है, जिसके तहत जो है जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पालमपुर पुलिस स्टेशन की टीम जो है तुरंत मौके पर गई, और पुलिस के पहुँचने तक जो स्थानीय लोग थे वहाँ पे जो प्रेजेंट थे उन्होंने उस एक्यूज्ड को जो है पकड़ के और काफ़ी उसकी पिटाई वहाँ पे कर दी जा चुकी थी। इस हालात में पुलिस द्वारा उसको जो विक्टिम है उनको तुरंत जो है स्थानीय स्पेशली मैं एक नाम यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी, श्री मनिंदर जो कि स्थानीय व्यक्ति हैं, और उनके द्वारा ही जो है स्कूटी पे सबसे पहले जो विक्टिम है उसको जोनल हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल पालमपुर के लिए वहाँ से ले जाया गया, और उसके बाद उनको विक्टिम को क्योंकि हालत काफ़ी गंभीर थे उनको तुरंत जो है टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया गया। पुलिस टीम द्वारा उनको पुलिस के व्हीकल के साथ उनको तुरंत जो है शॉर्टेस्ट टाइम पे हमने टांडा मेडिकल कॉलेज वहाँ पे पहुँचाया, और उसके बाद फर्दर टांडा के डॉक्टर्स द्वारा उनको PGI कल शाम को जो है रेफ़र कर दिया गया था। अभी हाल में जो स्टेटस PGI से हमें पता चला है, लड़की जो है अभी काफ़ी स्टेबल है, और उनकी जो रिकवरी के लिए डॉक्टर्स वहाँ के प्रयासरत है, और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है।
जो एक्यूज़ जहाँ तक है उनको जो है कल पुलिस द्वारा जो है अरेस्ट करके इसमें FIR जो है 307, 326, 341, 323 IPC इसमें दर्ज की गई है। एक्यूज़ को कल जो है अरेस्ट किया गया, क्योंकि अरेस्ट करने से पहले ही काफ़ी भीड़ द्वारा उनको जो है अटैक कर दिया गया था, तो उनको काफ़ी इंजरीज, एक्यूज़ को भी ब्लंट फोर्स इंजरीज काफ़ी उनको आई हैं। मेडिकल के बाद डॉक्टर ने उनको फर्दर जो है पुलिस स्टेशन में हवाले कर दिया, और उनसे हमने कल इंटरोगेट किया। मैंने भी उसको कल पुलिस स्टेशन पालमपुर में इंटरोगेट किया देर शाम, तो उससे हमें जो लड़का है उसके जो कारण है उसने एक्सप्लेन किए, और क्योंकि अभी विक्टिम जो है वो हमें उम्मीद है कि आज शाम या कल मॉर्निंग तक उनका हम स्टेटमेंट ले पाएंगे, जो कि कंप्लीटली जो है डॉक्टर्स की ओपिनियन की वो कितना फिट है स्टेटमेंट देने के लिए उस पर रहेगी, बट उम्मीद ये की जा रही है कि देर शाम तक या कल मॉर्निंग तक उनका स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। और उसके तहत जो वेपन ऑफ ऑफेंस दराटी है उसको हमने सीज़ कर लिया है।